खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए बढ़ते आगे। यूपी के मैनपुरी में स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल पूरी तरह से बेहाल है। मैनपुरी के करीमगंज गांव के बुखार से पूरा गांव पीड़ित है। गांव वालों का दावा है कि ये डेंगू का बुखार है। बुखार से करीब एक दर्जन लोग दम तोड़ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और इस बुखार से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। ये नाकामी सीएमओ के बेहतर सुविधाओं के दावों की पोल खोल रही है। करीमगंज जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया जिससे ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहां मरीजों को इंजेक्शन और पैरासिटामोल टैबलेट के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा और तो और मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा रहा जिससे मरीज निजी डॉक्टरों के पास इलाज कराने को मजबूर हैं। पूरे गाँव में करीब 500 मरीज बुखार से पीड़ित है। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गाँव में अभी तक 12 मौतें हुई है मगर ग्रामीण के अनुसार गांव में अभी तक 18 मौतें हो चुकी हैं। स्वाब की जांचें यहां पे 5 दिन हुए हैं। 5 दिनों में किसी को कुछ मिला नहीं, इसलिए आदमी कहीं एटा इलाज करा रहा है, कहीं बेवर जाके बौर इलाज करा रहा है, मतलब आगरा करा रहा है। और यहां पर जांचे सीएमओ साहब पैथोलॉजी वाले ये बोल रहे हैं, सुना है, मतलब करीमगंज आधार कार्ड लाइए, आधार कार्ड में करीमगंज लिखा है तो वो डेंगू की रिपोर्ट देने के इनकार करते हैं, मतलब जांच ही नहीं करते। 1100 रुपए लेने पर भी जांच नहीं करते। यहाँ पे हमारे गांव में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से है इस समय और डेंगू के कारण ही मौतें हो रही हैं। प्राइवेट जो पैथोलॉजी हैं वो डेंगू की जाँच भी नहीं बता रहे हैं कि इसमें डेंगू आ रहा है। उनके ऊपर सीएमओ साहब का इतना भयंकर दबाव है कि वो जो है नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें डेंगू है। डेंगू के लिए साफ मना कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे आए थे, यहाँ पे घर घर सर्वे करा है और हमारी टीमों ने भी लग करके लगातार सर्वे किया है तो यहाँ पे कुछ लोगों को डेंगू पॉजिटिव भी निकला है, लेकिन और भी बीमारियाँ हैं, सारे लोग उसी से नहीं है। बुखार के अब कोई नए केस नहीं आए हैं 2 दिन से, लेकिन जिन लोगों को पहले से बुखार चल रहा है उनको थोड़ा ठीक होने में समय है और उसमें जो भी सीरियस या ऐसी कंडीशन का लगता है उसको तत्काल जिला चिकित्सालय भेज दिया जा रहा है। यहाँ पे 2 एम्बुलेंस लगातार लगाई गई हैं। डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि अब गाँव में बिल्कुल मच्छर नहीं है और रोग के नए प्रसार होने की संभावना अब नहीं है। तो हमने टेस्टिंग कराया है, कुछ लोगों को डेंगू निकला है, लेकिन जो घटनाएं यहाँ हुई हैं हम लोग की टीम लगातार यहाँ कैंप कर रही है और लखनऊ से भी टीम आई हुई है और जो जो लोगों की मांग है, जो 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 आवश्यक चीज़ें हैं वो सब हम करवा रहे हैं, चाहे छिड़काव हो चाहे जांच हो, जो भी चीज़ें हैं सारी व्यवस्थाएँ यहीं पर कराई जा रही है। कई बार हमारी टीम यहाँ कैंप कर रही है। समस्याएँ कुछ हैं, कुछ लोकल समस्याएँ हैं, कुछ समस्याएँ वृहद स्तर पर हैं, तो जो भी समस्याएँ उनको सुना गया है जो निस्तारण संभव किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।